दोस्तों, गुरमीत चौधरी टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्हें आज बड़े से लेकर बच्चा बच्चा तक जानता है, और भला जाने भी क्यों ना। ये हैं ही इतने टैलेंटेड जिन्होंने अपने हर एक किरदार को परफेक्शन के साथ पर्दे पर उतार कर ये सभी को साबित कर दिखाया है कि अगर टीवी इंडस्ट्री में कोई बेस्ट अभिनेता है तो वो है केवल गुरमीत चौधरी। लेकिन दोस्तों, यूं तो आप गुरमीत चौधरी के बारे में ज्यादातर बातें जानते ही होंगे, लेकिन ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिससे आप भलीभांति अनजान हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने, गुरमीत चौधरी की लाइफ की ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको गुरमीत चौधरी की लाइफ से जुड़े ऐसे 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में रूबरू करवाएंगे। तो अगर आप भी अभिनेता गुरमीत चौधरी के बहुत बड़े वाले फैन हैं और उनसे जुड़ी एक एक स्पेशल बातें जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही इस ब्रिलियंट एक्टर के लिए वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, गुरमीत चौधरी का जन्म 22 फरवरी 1984 को बिहार के भागलपुर में हुआ था, लेकिन इनके पिता पेशे से एक आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए उनका तबादला चंडीगढ़ में हुआ, जिसके चलते इनका पालन पोषण चंडीगढ़ में हुआ और इनकी पढ़ाई भी उसी कॉलेज से पूरी हुई। नंबर 2, क्या आप लोग जानते हैं कि अभिनेता गुरमीत चौधरी बचपन से ही काफी टैलेंटेड हैं? उन्होंने स्कूल के दिनों में ही नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था, जहां से इनके मन में एक्टिंग करने की इच्छा जागी और उन्होंने पढ़ाई खत्म करने के बाद ही मॉडलिंग में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था, जहाँ इन्हें मिस्टर जबलपुर का खिताब हासिल किया है। नंबर 3, आपको पता है कि जब गुरमीत चौधरी ने अपने पहले एडवर्टाइजमेंट में काम किया था तो उन्हें केवल 1500 रुपये दिए गए थे, जो कि उनके लिए पहली कमाई थी। नंबर 4, बता दें कि जब इन्हें मॉडलिंग में सफलता हासिल हुई थी तब इन्होंने तुरंत ही अपना रुख तमिल इंडस्ट्री की तरफ कर लिया था, जहां इन्हें तकरीबन 5 सालों तक संघर्ष करने के बाद पहला ब्रेक शो मिला था, वो भी मायावी सीरियल से, जिसमें इनके डेब्यू सीरियल की लोगों द्वारा खूब सराहना की गई थी। नंबर 5, क्या आप लोग जानते हैं कि गुरमीत चौधरी का टीवी जगत का पहला शो कोई अपना सा था, जिसमें इन्होंने एक कैमियो रोल प्ले किया था, लेकिन इन्हें लोकप्रियता हासिल हुई रामायण शो में राम की भूमिका निभाकर, जिसके चलते इन्हें पुनर्विवाह गीत हुई सबसे पराई सीरियल में काम करने का गोल्डन चांस मिला और इसी के साथ इन्होंने मूवी खामोशिया से बॉलीवुड में कदम रखा। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर हमेशा ही एक सख्त व्यक्ति की भूमिका निभाने वाले गुरमीत चौधरी रियल लाइफ में काफी इमोशनल हैं? जी हाँ, इससे पहले शायद ही आपको इस बारे में पता होगा। नंबर 7, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरमीत चौधरी बाहर का खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उन्हें घर का बना हुआ खाना ही काफी पसंद आता है, जिसमें पालक पनीर, पाव भाजी, समोसा तो उनके फेवरेट डिशेज है। नंबर 8, दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि गुरमीत चौधरी को किताबें पढ़ना और मार्शल आर्ट सीखने का बहुत ज्यादा शौक है? जब भी शूटआउट से फ्री होते हैं तो ये किताबें जरूर पढ़ते हैं और आपको इनके अलमीरा में किताबों का ढेर सारा कलेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। नंबर 9, आपको बता दें कि गुरमीत चौधरी का आज तक केवल एक ही अभिनेत्री के साथ नाम जुड़ा है और वो कोई और नहीं बल्कि इनकी खुद की धर्मपत्नी देबिना बनर्जी हैं, जिनके साथ इन्होंने रामायण सीरियल में काम किया था और शो खत्म होने के तुरंत बाद ही इन्होंने देबिना बनर्जी के साथ शादी कर घर बसा लिया। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि आपके फेवरेट एक्टर यानी कि गुरमीत चौधरी जब भी किसी यात्रा पर निकलते हैं तो वो अपने साथ सनग्लासेस जरूर कैरी करके ले जाते हैं, इसीलिए उनके पास सनग्लासेस का ढेर सारा कलेक्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों, गुरमीत चौधरी के बारे में कौन सी बातें सुनकर आपको ज्यादा हैरानगी हुई है, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।